अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपके लिए बेबी फ्रॉक डिज़ाइनिंग आइडियाज़ लेकर आई हूँ। बहुत ही प्यारे प्यारे फ्रॉक हैं, कंफर्टेबल पार्टी ड्रेस, कैजुअल ड्रेस, सिंपल एंड बहुत ही डिज़ाइनर ड्रेस, बुटीक स्टाइल। आप भी कहेंगी देखकर कि वाकई ये तो बुटीक स्टाइल हैं, हम अपनी बेबी के ज़रूर स्टिच करें। और आप अपने कस्टमर को भी दिखा सकती हैं जो स्टिचिंग करना जानती हैं, चाहती हैं कि हमारे कस्टमर अच्छे अच्छे ड्रेस देखें और हमारे काम को, कारोबार को मज़ीद अच्छा बेहतर बना सकें। आपकी तारीफ हो, आपके कस्टमर खुश होकर आपको मज़ीद अच्छे से अच्छा काम लेकर आएं और आपको कहें कि हमारी डिज़ाइनिंग सिर्फ आपने ही करनी है और आप ही हमारे बेबी के जो भी स्टफ़ होगा, जैसा भी होगा, उसकी डिज़ाइनिंग आप ही करेंगी। तो ये आइडियाज़ वीडियो होती है आपके लिए। हम कोशिश तो यही करते हैं कि अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आएं ताकि आप अपने अपनी बेबी के या जो अपने कस्टमर हैं या अपने रिलेटिव्स हैं जिनको आप गिफ्ट देना चाहती हैं, उनके प्यारे 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 अंदाज से ड्रेस तैयार करें। चाहे वो आपके अपने हों, चाहे बेबी के ड्रेस हों, चाहे स्लीव्स की डिज़ाइनिंग, नेक डिज़ाइनिंग या फ्रॉक की डिज़ाइनिंग। अक्सर आपने देखा होगा हम आपको ज़्यादातर फ्रॉकों की डिज़ाइनिंग दिखाते हैं ताकि आपको प्यारे से प्यारे फ्रॉक स्टिच करने का मौका मिले, क्योंकि ज़्यादा रिक्वेस्ट फ्रॉकों की होती है। अगर मामा अपना एक ड्रेस तैयार करती हैं तो बेबी के दो या तीन ड्रेस तैयार करना उनको ज़रूर होता है। तो इसलिए आइडियाज़ वीडियो आप लोगों के लिए बेबी ड्रेस ही ज़्यादा मैं दिखा रही हूँ ताकि आपको फ़ायदा हो फ्रॉक स्टिच करने में। आपके रेंडम स्टिच जो भी हैं उनको काम में लाएँ, अपने रिलेटिव्स को गिफ्ट दें या किसी गेस्ट स्टिच कर उनको दिखाएं कि देखें हम इतनी प्यारी प्यारी डिज़ाइनिंग आती है, और अपना भी दिल खुश करें और अपने रिश्तेदारों का भी। और बताइएगा आपको आज के आइडियाज़ वीडियो में ज़बरदस्त डिज़ाइनिंग कैसी लगी है। कमेंट्स पे प्लीज़ राय का इजहार ज़रूर किया करें। अच्छा लगता है जब आप कमेंट्स पे अपनी राय का इज़हार करते हैं, बहुत खुशी होती है। तारीफ़ वाला ज़रूर कमेंट्स किया करें। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ऑल के बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको रोज़ की तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप उनसे फ़ायदा उठा सकें। तो आपको तमाम वीडियो में जो भी फ्रॉक, जो भी डिज़ाइन अच्छा लगा उसको लाइक बनता है, और उसी की वजह से एक ही लाइक दे दें। अगर आपको लगा कि वाकई ही ये तो डिज़ाइन लाइक के काबिल हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें। वीडियो को अनलाइक मत किया करें क्योंकि एक फ़्रॉक की वजह से भी तमाम वीडियो लाइक बनती है। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा स्किप किए बगैर ताकि आपसे कोई डिज़ाइन मिस ना हो, आप तमाम डिज़ाइन एक ही साथ एक ही वीडियो में इतने कम टाइम में देख सकें। तो कैसी लगी आज की वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट्स पे। अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें, तारीफ़ वाले हों चाहे वो दुआओं वाले। अपनी राय का इजहार खुल के किया करें कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, किस टॉपिक, और ताकि हम आपके लिए उस तरह की आपकी फरमाइश के मुताबिक प्यारी प्यारी अंदाज से वीडियो लेकर आएं फैशन के बारे में। तो इसलिए मैं पूछती हूँ आप नेक्स्ट वीडियो के बारे में ज़रूर राय का इजहार किया करें ताकि हम अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आएँ। आइडियाज़ वीडियो में कटिंग स्टिचिंग के ट्यूटोरियल तो हम आपको दिखाते ही रहते हैं अपने दोनों ही चैनल्स में। आप विज़िट करें हमारे दोनों ही चैनल्स का, अलीना फैशन डिज़ाइनर का और फहमिदा फैशन बुटीक का, तो आपको आइडियाज़ वीडियो के साथ साथ कटिंग स्टिचिंग भी मिलेगी जैसा कि आपको हमेशा से ही मिलती थी शुरू से। अगर आप हमारे चैनल पे हैं और हमारे सब्सक्राइबर हैं तो आपको वैसे ही अंदाज़ा होगा, और अगर आप अब न्यू हैं तो आप हमारे तमाम चैनल्स का विज़िट करें। आप चैनल्स का सर्च करें फहमिदा फैशन बुटीक या अलीना फैशन डिज़ाइनर, उनकी प्ले लिस्ट में जाएँ, कटिंग स्टिचिंग की प्ले लिस्ट ऑन करेंगी तो आपको बहुत ज़बरदस्त कटिंग स्टिचिंग के ट्यूटोरियल उसी में नज़र आ जाएंगे। तो आपको अंदाज़ा होगा कि हमारी कटिंग स्टिचिंग भी इतनी ही लगी हुई है जितने के आइडियाज़ वीडियो। तो आपको आज की कैसी लगी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, अल्लाह ताला से दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला हमें सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए, हमारे इस काम में तरक्की हो, बरकत हो, कामयाबी हो जो हम ये कर रहे हैं। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।